तो भैया आज का मैच पाकिस्तान जीत के फाइनल में आ चुका है और मैच बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने जीता है। तो इस मैच के बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं, तो वो आज हम दोनों देखने वाले हैं। ये पहला मीम, अब्बा मुझे पाकिस्तान जाना। हाँ यार, ये लड़की पे कैमरामैन कुछ ज़्यादा ही कुछ फोकस कर रहा ज्यादा था आज। फोकस कर पिक्चर रहे, ऑफ द पिक्चर ऑफ द डे, ये देखो, मतलब डे, ये इंडिया के लोग इस लड़की पे मर मिटे भाई। ये मतलब क्या ही पाकिस्तानी फ्लैग कहें। लगा के घूम रही है, ये कुछ ज़्यादा ही चल रही है लड़की। ऑल्सो थैंक्स टू कैमरामैन, दुआ करिए बंदी ने यार, बंदी की दुआ लगी है यार, और लोग दुआ कर रहे हो कि ये जो भी मांग रही हो इसकी दुआ कबूल हो जाए यार। हाँ, इस और चक्कर में न्यूजीलैंड के फील्डर्स की फील्डिंग भी इसकी वजह से मिस हो रही मिस हुई थी थी। बार बार, वो स्क्रीन पे दिखा रहे थे मैडम को, तो मिचेल ऐसे देख रहा था। तो ये भी एक रीजन रहा है। क्या फायदा इतनी मैच पढ़ने का जब गिनने के पैसे ही ना हो। मीम अच्छा था लेकिन इसका इसमें से कोई लेना देना नहीं है। जब पाकिस्तान फाइनल में पहुंच सकता है तो हम उसके दिल में क्यों नहीं। ओहो, ओ ये हो पाकिस्तानी डाई हार्ट फैन लग रही है। पता है वो मैच कहाँ हारे? यहाँ हारे, दिस वन इज ऑल हसबुल्ला का डैडी रसगुल्ला। रसगुल्ला। ये एम्पायर सच में ऐसे ही लगता है। जिन्होंने मुझे ऑस्ट्रेलियन टोटे लाने का बोला उन्हें मैं अब कबूतर दूंगा। समझ नहीं आया मुझे, सही बोलो, टोटे टोटे, आप बता ना अगर हाँ कुछ। टोटे समझ में, लेकिन हाँ कुछ तो अजीब सा मीनिंग है। तुम लोग ऐसे टारगेट पर 10 विकेट से हारे थे ना भाई? हाँ हारे थे, कोई हाँ दिक्कत हाँ नहीं है, हाँ हारे थे। मैं क्या करूं, मेरे बीवी बच्चे इन्होंने उठा रखे। अच्छा, इसने कुछ गलत डिसीजन लिया था आज। पलट दिया फिर। मैं क्या करूं। सही तुम है, कुछ नहीं करो, मैं मर मर जाती जाती हूँ, हूँ तुम मैच देखो, मेरी कवर पर भी बैठ और बोल बोल ले लेके आना आना। फोटो की जगह। अरे ये फूलों भी की जगह, अच्छा, रे फूलों की हाँ जगह। ये आज के दिन बीवियों की हालत यही थी, जो टीवी के हाँ सामने उनके हस्बैंड्स वगैरह बैठे हुए थे। सही है। मतलब मैं मैच देख रहा हूँ, 2 मिनट मैं मैच देख रहा हूँ, 2 मिनट मैं मैच देख रहा हूँ, हाँ 2 मिनट 2 मिनट आ रहा आज हूँ। पता है मैं 1 बजे नहाने के लिए जाने वाला था और मैच स्टार्ट हो गया। और फिर यही मैं कब गया नहाने, पता है 5-6 बजे शाम को, मैच खत्म होने के बाद। होता है, तो और मेरी ये वाइफ मुझे बोल इस रही थी, नहीं नहाना तो कपड़े वापस रख दूँ। ये इसी कछुए से वजह हारा है। से कछुए से हारा था और हमें कुछ और बताया गया। ओके शिट, हाउ कैन यू हेट दिस गाय, ही गिव हर रीजन टू बी हैप्पी। ओहो ओहो, ऐसा क्या देख रहा है भाई, सामने इंडिया थोड़े था कि अच्छा खेलें। ओ, ओके, वन ऑफ द बेस्ट कम बैक इन अ आईसीसी वाईसीसी वर्ल्ड वर्ल्ड कप कप टूर्नामेंट, टूर्नामेंट पाकिस्तान पाकिस्तान वाली नाउ इन फाइनल फाइनल टीम, टीम। भाई कमबैक तो बड़ा खतरनाक हो गया इनका, ऑल थैंक्स टू नेदरलैंड्स। नींद पिक्चर, दिल दिल पाकिस्तान पाकिस्तान। दिल के ऊपर ही लगाया, जानिए क्या है बेबी आपका आपका। मुस्तकबिल। ये क्या था? अच्छा, मैंने नीचे कार्टून पे तो बाद में ध्यान दिया यार, ऊपर कुछ और लिखा था। वॉन्टेड अ सेल्फी ऑफ द एंटायर टीम विद नसीम इन इट सो बैड लास्ट वर्ल्ड कप माँ नसीम नहीं था। ये क्या है भाई, मैं की जगह माँ, लास्ट वर्ल्ड कप में नसीम नहीं था, जब नसीम आया शाहीन इंजर्ड हो गया, पिक्चर वॉर इनकम्प्लीट, बट दिस इज सो स्पेशल, अब नसीम और शाहीन भी दोनों है, हैं और सब पूरी टीम भी है। पड़ोसियों जीत आती जाती रहती है, लेकिन ग्रेस आपके बस की बात नहीं है। मेरे मेरे पड़ोसी, पड़ोसी आज आपका रोना बनता है। ये वैसे ये ट्वीट शायद मैच के पहले किया था इरफान पठान ने। हाँ मैच के पहले। इट्स गोना बी हिज फर्स्ट वर्ल्ड कप फाइनल। नसीम शाह हैज़ बीन ट्रूली एक्सेप्शनल थ्रू आउट द टूर्नामेंट, ही हैजन टेक मेनी विकेट्स बट एब्सोल्यूट रन स्टॉपर। हाँ, रन तो काफ़ी रोके रुके इन्होंने। हैं ही कम साइलेंटली डज हिज जॉब एंड लीव्स। ये बात बिल्कुल जस्ट वन सेम चीज़ स्टेप्स इंडिया में मोहम्मद शमी कर रहे हैं। कोहली, तुझे बताया कॉली। था ना, ये 152 चेस करते हुए बहुत मारते हैं। 152 का आंकड़ा शायद पाकिस्तानियों को ज़्यादा ही पसंद है। यहाँ क्यों आए हो मुन्ना? 1987 में सेमीफाइनल का बदला लेने आए हैं और लेकर ही जाएंगे। ओहो, ये ओके, इंडिया का मीम ये है। इंडिया का। सैडेस्ट पर्सन इन पाकिस्तान राइट नाउ, इफ पाकिस्तान विंस आई पोस्ट विल माय पोस्ट मुजरा। माय मुजरा। ओहो, ओ भाई, इसने मुजरा अब पोस्ट भाई करा या साहब का नहीं, मुजरा आने वाला नहीं आए तो आप लोग इन भाई साहब को देख लेना, भाई पकड़ लो ट्विटर पे मिल इसको जाएंगे भी ये। और बताना हमें भी। बस अब मैंने सोच लिया है, जब शादी होगी अगर बेटा हुआ तो नाम बाबर बाबर आजम, और अगर बेटी हुई तो बारबी आजम बारबी। या शेडी खान। शादी शादी शेडी खान, शेडी खान, ये शादाब खान बोल शादाब रहा है, खान। ओके शेडी ओके खान। नाइस, मतलब इतनी फैन फॉलोइंग बढ़ रही भाई, सही है। सरनेम तक रख लेंगे। चलो, गुस्से में मोहम्मद आमिर ने कामरान अकमल को काट लिया, दोनों हॉस्पिटल में मुंतकिल, सॉसेस ओ, दोनों हॉस्पिटल मतलब में। आमिर क्यों गुस्सा हो रहा है मुझे ये नहीं पता। आमिर को उन्होंने काफी लोग कुछ ट्रोल कर रहे हैं। ओके न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड भी सोचता होगा, ये साले ने जिम्बाब्वे के खिलाफ चलते हैं ना नीदरलैंड के खिलाफ,
लेकिन हर दफा हमारे कहाँ खिलाफ से कहाँ फॉर्म आ से फॉर्म जाती आ है, जाती है समझ समझ नहीं नहीं आता आता। भाई। ये तो सही है भाई, न्यूजीलैंड को ऐसा पहलते पाकिस्तान वाले, जैसे कुछ समझते ही नहीं उसको, जैसे वो बरमुंडा की टीम हो हाँ, क्या क्या सीन क्या वो है भाई, न्यूजीलैंड इतनी हैवी टीम है, उसको ऐसे पहलना, मतलब वो सिक्योरिटी इशू कुछ ज्यादा ही दिल पे ले लिया दिल पे ले है। लिया पाकिस्तान ने, हेलो हुआ करोगे पड़ोसी नहीं हो, से, गेस करो हम कहाँ है। समझ रहे हैं हम भी आ रहे भाई हैं, हम भी आ रहे हैं, फाइनल्स में आ चुके हो तुम लोग, सही वी आर है। कमिंग ये भाई। ये उर्दू बहुत टफ है, तो ये आप लोग पढ़ के बताना क्या लिखा है। दिल बाबरस्तान दिल बाबरस्तान, जान 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 रिजवानिस्तान, रिजवानस्तान, हम मैच जीत गए, कॉन्ग्रेचुलेशन पाकिस्तान, पाकिस्तान। व्हाट अ वाह वाह, लाइन। क्या क्या राइम किया है। आओ एवरीवन हैप्पी, शाबाश मेरे शेरो, अब आया ना मेरे बर्थडे का मजा। अच्छा इनका बर्थडे था आज, ओ ये है कौन ये वैसे, शायर है इकबाल, अल्लामा इकबाल, आई थिंक ये वो है आई थिंक आई थिंक। पता नहीं भाई, मैंने इनका नाम तो सुना पर कभी देखा नहीं था इनको। लो ह्यूज क्राउड है। अच्छा आज के मैच में ये तो मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान का क्राउड जो है बहुत ज़्यादा था, और मतलब पूरा स्टेडियम फुल था, और पूरा मतलब समझो 80% पाकिस्तान का ही क्राउड होगा। सही बात जैसे है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में 80% इंडिया का क्राउड था, वैसे ही पाकिस्तान अच्छा न्यूजीलैंड में इंडिया एटी वाले भी परसेंट बहुत आए थे मैच देखने, इंडिया वाले भी आए थे, और बाकायदा पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे कि क्योंकि फाइनल में दोनों का मैच चाहिए। स्लॉट रिवर्ब लॉफी बेटिंग से सीधा रिमिक्स पे आ गए हैं लुंडे। हाँ ये बात सही सही है है, इतना फास्ट यार। खेल रहे हैं। क्या हो रहा है भाई ये भाव, भाव कहाँ कहाँ हुआ अबे अबे फाइनल फाइनल में, में। ओ तेरे ओके ख्वाब बहुत जल्दी पूरे होने वाले हैं शहजादे। शहजादे ओ नसीम शाह के ख्वाब है मतलब फाइनल जीतना। पीओवी, अब ला रियाज की क्या, कॉल आई थी। वहाब रियाज की कॉल आई थी, मोहम्मद आमिर ने सर्व खा लिया। नाइस वन, सर्फ खा लिया। वी वर सपोज टू बी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कप, नाउ इन फाइनल दिस इज पाकिस्तान फॉर यू। सही तो ये तो यार, किसी ने भी नहीं सोचा था, कहाँ से हो, पाकिस्तान से, वो कहाँ है फाइनल में। ये सही था गुरु, ये गुरु सही था यार। बहुत बेइज्जती। हो गया अगर पाकिस्तान को फाइनल में बुला कर हम खुद नहीं गए ओ तो। भाई ये तो ये है यार, इंडिया ये है का यार। है, ये बात तो सही है, बुला तो लिया अपने कि चलो एक काम करो तुम फाइनल में आओ, हम तो आ ही रहे, और नहीं रहे आएंगे 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 है, नहीं ऐसी बात नहीं करते। सबसे पहले टूर्नामेंट से बाहर हो रहे थे, सबसे पहले फाइनल में पहुंच हाँ गए। ये बात सही है, टॉप 12 वालों में पाकिस्तान जो से है हार्ट अटैक देने वाली टीम है, मतलब कभी भी कुछ भी कर सकते हैं लोग, और इनकी किस्मत भी ऐसी है कि कभी कुछ भी हो भी जाता है इनके साथ। मतलब यार देख, ऑलमोस्ट बाहर थे, और नीदरलैंड्स ने, इतना बड़ा मिरेकल हो गया कि नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया और अच्छा पाकिस्तान आ गया अंदर। उस मीम पर रिप्लाई देख, प्यारे बच्चों अब्बू आ रहे हैं। इट्स आल्सो अ मीम, मजाक मजाक में वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच हाँ ये गए बात तो सही। लोग बोल रहे थे यार ये गए ये गए, और आ गए। वी वी मे मे हैव हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स बट मेकिंग दिस मैन क्लूलेस क्लूलेस इजंट इजंट वन। वन, भाई ये बंदा जो है, इसका फेस देख के सच में बहुत तरस आता है। ये हर वर्ल्ड कप में इसका फेस ऐसा ही नज़र आता है, जब ये एंड में आके बिल्कुल बाहर हो जाते हैं वर्ल्ड कप से, इनकी किस्मत ही ख़राब है। आई कॉन्ट बिलीव डिफेटेड बाई जिम्बाब्वे बट इन टू द फाइनल्स, कुदरत का निज़ाम, कॉन्ग्रेचुलेशन पाकिस्तान। क्या बात है। तुमको क्या लगा, इंडिया के जैसे पाकिस्तान भी नॉकआउट मैच में न्यूजीलैंड से हार जाएगा। ओ ओके, भाई पाकिस्तान नहीं हारता, लास्ट टाइम न्यूजीलैंड ने न्यूजीलैंड शायद के बाहर साथ तो करा पता नहीं क्या था। ही सीन है इनका। हाँ कॉन्टेक्स्ट, पाक विन अगेंस्ट न्यूजीलैंड, स्माइल देख रहे हो ना। समझ रहे हो, तो स्माइल देखो भाई बंदे की, फाइनली फाइनल हम जीत गए, मूव टू फाइनल, ओके। इस कंडीशन में फाइनल पहुंचे, मतलब ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं ये। भाई हम मीम हमने नहीं बनाया, पाकिस्तान वालों ने बनाया। जावेद जाफरी, तू आया नहीं लाया गया है, चले चले तो तो चांद चांद तक तक वरना वरना। शाम तक इन टू द फाइनल्स। ये बात तो है, पाकिस्तान टीम का यही है। थोड़ी सही, बहुत उर्दू पढ़ लेते हैं। प्रूव हिमसेल्फ, 3 कंसेक्यूटिव मैचेस टेक अबो मोहम्मद हारिस। ये बात तो है यार, मोहम्मद यार ही हारिस इज द ने गाय यार, ये इसने सच में इस बंदे ने दिल जीता है दिल यार, जीता यार, बंदे ने बहुत कमाल लास्ट 3 मैच खेले, और तीनों में ही 30+ रन बनाए, बहुत अच्छा स्टार्टिंग था। में इस बंदे को नहीं रखा था ना टीम में, नहीं रखा था, अब अब हम हमको चाहिए फुल फुल इज्जत इज्जत, भाई, अब पाकिस्तानियों हमको फुल चाहिए इज्जत फुल चाहिए भाई, बाबर इज्जत। आजम। सही है, मैं मेक्योरी इग्नोर वाज ही वेटिंग ताकि नजर ना ओ लगे। मतलब इतना डर अपनी नजर से। समझ क्या रखा था अपन को दोनों का। हाँ हम तो ज़्यादा ही बाबर हल्के में ले लिया था, स्पेशली लास्ट मैच में इन्होंने इतना स्लो खेला था, ये ज़्यादा ट्रोल कर रहे थे लोग इनको, लेकिन इस मैच में इन्होंने दिखा दिया। वो सही है, समझ क्या रखा था इन्होंने अपन को, ये हाथ और ये वर्ड्स बहुत मैच कर रहे सही है हैं। भाई, ये बाबर रिजवान को क्यों जगा दिया। 152 एक नशा है, और ओके हमारे टीम ये नशे सा सारी आम करते हैं, सरे आम सर करते हैं। आराम करती है, डोंट वरी चाचू, आपकी आपकी आज आज बैटरी बैटिंग नहीं नहीं आएगी। आएगी। हाँ हाँ यार यार ये मैं बंदा वेट कर भाई, रहा था इनका, शान मसूद को क्यों भेज दिया यार, मैं यही बोल रहा था, इफ्तिखार को भेजना था यार, एक छक्का मार के जितवाते कम से कम। यार ही इज अ गाय,
जिन्होंने पूरे पूरे वर्ल्ड कप में क्या ही बैटिंग की है यार। पाकिस्तान टीम को यहाँ तक लाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। जब भी भेजा है इन्होंने कभी डिसअपॉइंट नहीं किया है, हमेशा इन्होंने अपना काम करके ही छोड़ा है। जब भी आउट हुए अपना काम कर चुके थे ये, जितनी भी मैचेस हुए हैं उनमें अपना काम पूरा किया है इन्होंने। अब रिजवान आएंगे आगे, मेरे कनर अर्जुन वापस आ गए आ गए। बाबर आजम एंड रिजवान राइट नाउ। अंडरटेकर उठता है ना ऐसे ताबूत में से, वो भी उठ गए उठने। सही है, ये उर्दू है थोड़ा गूगल के रहने दे। दिस इज द रिजवान एंड बाबर वी ऑल वेयर क्रेविंग फॉर। सही है, एवरीवन डिस्कसिंग पाक वर्सेस न्यूजीलैंड। मीनवाइल अलामा इकबाल, अच्छा इनका बर्थडे इग्नोर हो गया, इनका बर्थडे इग्नोर हो गया मैच के चक्कर में। इस कॉपी लगी अलामा इकबाल तो उसका फोटो लगाया बंदे का। माशाल्लाह बोलो, नजर उतारो सदका दो। सही है भाई, फिजा शीजा, हाँ ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं। माइकल फिजा शीजा दोनों बैन में सिमिलर। हाँ यार, शान मसूद और ये मिचल है ना, मिचल है, ये एक जैसे ही लग रहे हैं। 152 बाबर रिजवान के हैं, एक रन हारिस बना लेगा, पहुंच गए फाइनल में। सिंपल, ये सेमीफाइनल शुरू होने से वो सेकंड इनिंग। अच्छा ये 151 इन्होंने बनाए थे ना पहले। ए मेरे रब, आज ये सीन देखना नसीब फरमा पाकिस्तान, क्योंकि 152 याद है तुझे, इंडिया के सीन दोनों ने बनाए थे, सिर्फ एक रन किसी और ने बनाने के लिए। यार सोच समझ के मीम बना रहे हो तुम, वो तेज हो रहा है। 92 में भी नवाज शरीफ चोर था और अब भी चोर है, इसका क्या लेना देना है। 92 में वर्ल्ड कप जीता था पाकिस्तान। ये कौन से फरिश्ते हायर किए हैं फील्डिंग के लिए आज? अच्छा आज फील्डिंग बहुत तगड़ी हुई है ना। हाँ फील्डिंग आज पाकिस्तान की ऑन पॉइंट थी और थ्रो भी अच्छे लगाया, रन आउट किए दो शायद। चाचा तुम्हें वाकई क्रिकेट पसंद है या सिर्फ मुझे देखने के लिए क्रिकेट? चाचा सही है, पाकिस्तानी आवाम टू केन विलियमसन। बस कर सोनिया, बस कर। ये हमारी पाकिस्तान टीम ही फील्डिंग कर रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब इनको भी यकीन नहीं हो रहा। आज फील्डिंग आज बहुत तगड़ी फील्डिंग हुई। हर नवंबर दिसंबर में कोई ना कोई इंसान आता है और जिंदगी बर्बाद करके चला जाता है, फिर रिकवर होते होते नवंबर दिसंबर आ जाता है। ओ ये कौन लड़के है जो इसको नवंबर दिसंबर में ठंड के मौसम में ही मिलता है। आज खेल रहे हैं ना बॉयज इकबाल के शाहीन की तरह। हाँ इकबाल के शाहीन। मुल्क की अलग टेंशन लो, क्रिकेट की अलग टेंशन, फ्यूचर और लव लाइफ के अलग टेंशन ले लेके ही बंदा मर जाएगा। ये पाकिस्तान वाले पूरे दिल की फीलिंग बाहर निकाल के, ये बात तो चाहिए। अलग मुल्क में एक अलग ही टेंशन चल रही है, क्रिकेट की एक अलग ही टेंशन चल रही है, फ्यूचर की तो भाई बोलो मत, लव लाइफ की अलग टेंशन है, मतलब कितनी टेंशन लेके बंदा है। शादाब तू चीता है भाई, चीता भाई, 100 के अंदर आउट कर दो प्लीज, उससे ऊपर गए तो हाथ पांव फूल जाते हैं हमारे। ये अब्दुल्ला बहुत एक्टिव होते हैं, ट्वीट ट्वीट शादाब का रन आउट बहुत शानदार था भाई। अबे फील्डिंग के लिए क्या बाहर से लड़के भुला लिए हैं। ये कब से इतनी तबाही हो गई माशा। ये तो भाई फील्डिंग तो नो डाउट क्या ही चल रही थी आज पाकिस्तान के मैच में, तो मतलब नेक्स्ट लेवल की फील्डिंग थी यार। नहीं रन ज्यादा जाने दे रहे थे, बॉल जिसके पास में आ रही थी वो छोड़ नहीं रहा था। सही है यार, कमाल की फील्डिंग। न्यूजीलैंड ने फील्डिंग में ही सबसे ज्यादा ऊंच नीच करी, इसलिए वो हार गए। पहले ही सबसे पहले ही चांस भी बहुत मिस किया उन्होंने, सबसे पहले बाबर्स का शायद मिस किया था ना। हाँ कैच भी बहुत छोड़े, रन आउट भी मिस किए, बहुत मिस किया, वो लड़की का ही चक्कर है बाबू भैया। और रन आउट भाई शादाब का जो रन आउट था डायरेक्ट हिट, वो तो एक नेक्स्ट लेवल था दोस्त, मजा वो देख के तो मजा आ गया था यार। और नवाज ने जो कैच आउट किया वो भी बहुत शानदार था, वो बॉल और फिर मतलब ऐसा लग रहा है वो बॉल ही उसके पास आने के लिए तरस रही। वो फिलिप्स ने ना, फिलिप्स बहुत तगड़ा प्लेयर है, लास्ट मैच में इसी स्टेडियम में उसने सेंचुरी बनाई थी और उसको आउट कर दिया। अगर वो होता तो भाई बहुत आगे तक लेके जाता न्यूजीलैंड को। तो आप बताओ गाइस आज का मीम रिएक्शन कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।